नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और आम आदमी पार्टी की नेत्री चित्रा सरवारा की अगुवाई में अम्बाला छावनी में विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च अम्बाला छावनी से शुरू होकर छावनी के मुख्य बाजारों से होता हुआ फुटबॉल चौक स्टेडियम के सामने संपन्न हुआ। इस मार्च में अनेकों सामाजिक संस्थाओं, खिलाड़ियों, पूर्व खेल संस्थाओं के पदाधिकारियों और अम्बाला के आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कैंडल मार्च में उपस्थित सभी साथियों और नागरिकों को संबोधित करते हुए चित्रा सरवारा ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आधी रात को दिल्ली पुलिस की ओर से खिलाड़ियों पर हुए बर्बरतापूर्ण रवैये पर दुख व्यक्त करते हुए इस घटना और पीछे के क्रम की कड़ी निंदा की है। चित्रा सरवारा ने कहा कि एक तरफ तो भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आधी रात को देश के अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों पर अपनी पुलिस के माध्यम से बर्बरतापूर्ण लाठियां बरपा रही है और अब शब्दों से अपमानित करवा रही है। चित्रा सरवारा ने कहा कि इस पूरे प्रकरण ने आज देश के लाखों खिलाड़ियों और उनके परिवारों का सरकार और खेल प्रणाली में विश्वास हिला दिया है। आज कोई माँ बाप अपने बच्चे को खेल के मैदान में झोंकने से पहले यह जरूर सोचेगा कि क्या उनका बच्चा और उनका भविष्य सुरक्षित होगा, क्या सरकार उनका संरक्षण और समर्थन करेगी या मेडल लाने तक ही साथ खड़ी होगी और बाद में उन्हें सड़कों पर फेंक देगी। अम्बाला से हमारा एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। बहुत ही साथियों ने हिंदुस्तान की सरकार इसके आईडी मत पकड़ो, आप मत पकड़ो, मैं पकड़ लूंगा, कोई बात नहीं, मैडम को मत पकड़ाना। यही रख दे बस, यही रख दे बस, यानी यही रखिए उससे ना, ठीक है जी। हाँ जी मैम, बताएं आज कैंडल मार्च निकाले किस बात की? बताएं, देखिए बहुत दिनों से हमारे देश के जो इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, पहलवान थे, पदक विजेता थे, जिन्होंने देश का सर गौरव से दुनिया में ऊंचा किया है, हमारे तिरंगे को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लहराया है, वो अपने सम्मान की लड़ाई में जंतर मंतर की सड़कों पर बैठे हैं, सो रहे हैं, बरसात में भीग रहे हैं, पुलिस की, प्रशासन की और मैं कहूँगी सरकार की प्रताड़ना को सह रहे हैं। और ये आज पूरे देश के लिए, खेल जगत के लिए, खिलाड़ियों के लिए और खेल से जुड़े हर परिवार के लिए बड़े शर्म की बात है, हर भारतवासी के लिए बड़े शर्म की बात है। आज अम्बाला के अंदर और हरियाणा में लगभग हर जिले के अंदर एक कॉल दी गई कि जो भी अपने इस खिलाड़ी के मुद्दे के साथ जुड़ना चाहता है, सॉलिडेरिटी दिखाना चाहता है, वे सब जाति से, समाज से, राजनीति से ऊपर उठकर इकट्ठा हो और आकर एक कैंडल मार्च का हिस्सा बने। आज मुझे बड़ी खुशी है, हम सब बड़े गर्व की बात है हमारे लिए कि आज हमारे साथ प्लेयर, चाहे वॉलीबॉलर, चाहे रेसलर, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, आज अम्बाला की इस मार्च के अंदर वो सब हिस्सा लेने आए और हमारा एक ही मैसेज है कि हम अपने खिलाड़ियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं, हिंदुस्तान अपने खिलाड़ी और बेटियों के साथ खड़ा है और न्याय की इस लड़ाई में हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। मंत्री जी ने कहा है कि हम खिलाड़ियों के साथ, मंत्री जी खिलाड़ियों के साथ है तो मंत्री जी को खिलाड़ियों के साथ जंतर मंतर पर नजर आना चाहिए। वे पूर्व में यहाँ पर हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर रह चुके हैं और आज हरियाणा के अंदर एक महिला कोच ने मौजूदा स्पोर्ट्स मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज की, कोई उसके लिए इन्होंने ठोस कदम उठाए हो, पुलिस इनके कंट्रोल के अंदर है, कोई उसकी मदद या कोई स्टेटमेंट ही दी हो, ये शब्दों में बात और होती है, जमीन पर उसके साथ चलना और बात होती है। अगर हमारे मंत्री जी, गृह मंत्री जी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ है तो मैं कहती हूँ आज उन्हें इस मार्च में हमारे साथ होना चाहिए था, उन्हें जंतर मंतर में उनके साथ होना चाहिए और अपनी सरकार के दरवाजे जो अंदर जिसमें बैठे हैं खोलने चाहिए, इन बच्चों और इन महिलाओं को न्याय दिलवाने के लिए। बच्चियों को, बेटियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज पूरा देश इस मुद्दे से जो है ज्वलंत है और मैं यही कहूंगी कि आज केवल अम्बाला कैंट में नहीं, हमारे हरियाणा प्रदेश के तो खासतौर पर ऑलमोस्ट हर जिले के अंदर एक कैंडल मार्च आज हुई है जिसके अंदर एक ओपन कॉल दी गई थी कि
पूरे हमारे प्रदेश के हर जाति से, हर वर्ग से, हर राजनीतिक बैकग्राउंड से, चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, प्लेयर्स हो, स्पोर्ट्समैन हो, किसी भी खेल से हो, पिता हो, माँ बाप हो, खिलाड़ियों के या कोचेज हो, वो आज आए इस कैंडल मार्च में, सॉलिडारिटी मार्च में हमारे साथ चलकर जो है हम अपने एक मैसेज देना चाहते कि हम अपने खिलाड़ियों के साथ, हरियाणा अपनी ब्यूटी और अपने खिलाड़ियों और पहलवानों के साथ है, ये देश उनके साथ है और उनके सम्मान की लड़ाई में, इस न्याय की लड़ाई में भी हम सब कदम से कदम मिला। जब FIR लॉन्च हो चुकी है उनके खिलाफ, ब्रजभूषण जी के खिलाफ, फिर भी अभी तक बीजेपी ने उनका त्याग पत्र नहीं दिया है, उन्होंने किसी भी तरह त्याग, इसको लेकर क्या कहेंगे बीजेपी पार्टी के बारे में? देखिए, हम यही कहेंगे कि सत्ता का जो पक्ष है वो किस तरह से हमारे महिला विरोधी रहा है, किस तरह से वो सत्ताधारियों के पक्ष में रहा है, ये शुरू से जाहिर है। ये जो FIR हुई है इनके अंदर एक FIR पॉस्को एक्ट के अंदर हुई है, जिसके अंदर अरेस्ट जो है इमिनेंट होती है, और बड़े दुख की बात है, मैं इस पे इसका पूरा कुछ भाजपा सरकार पर डालती हूँ, कि इन बच्चों ने जब मेडल जीते तो इन्हें बिन बुलाए सारे नेता इनके साथ फोटो खिंचवाने तो जरूर आ गए, लेकिन जब इन्होंने न्याय की गुहार इन्होंने उठाई तो उस वक्त इन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा एकमात्र FIR दर्ज कराने का। उस वक्त किसी भी राष्ट्रीय नेता ने या हमारे बड़े बड़े लीडर्स ने किसी ने ये नहीं कहा कि आज हम इस बात का संज्ञान लेते कि इन्हें हमारी जरूरत, इनके 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 आत्मसम्मान की बात है, इसके लिए हम इनका दरवाजा। जो दिल्ली के अंदर एक हमारे पहलवान जंतर मंत्र पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी, जो उनके साथ कल व्यवहार हुआ है उसके लिए महिला पहलवान, उनके साथ कल रात जो दुर्व्यवहार सरकार ने पुलिस के द्वारा कराया गया वो बहुत ही निंदनीय है, उस के विरोध में आज ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, और जो न्याय है वो उन पहलवानों को मिले उसके लिए आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, और किसी भी पहलवान के साथ या वहाँ पे जाने वाले हमारे साथी के साथ कोई धक्का मुक्की ना हो, उसका नतीजा सरकार को बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। किसान आंदोलन देखा है, ऐसे ही ये हमारे समाज के बच्चे हैं जो पहलवान हैं, हमारे देश के रीढ़ की हड्डी हैं, इनके साथ पूरा देश खड़ा है। आज उसी कड़ी में आज ये एक सांकेतिक जो हमने कैंडल मार्च निकाला है, ये यही संकेत है कि उनको न्याय मिले। आगे सरकार की जिम्मेवारी है, अभी इस प्रदर्शन को कितना बढ़ाना है या इसको यहीं पे क्लोज करना है, इसी कड़ी में आज यहाँ पे सभी साथी पहुंचे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।